हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के। और एक्सेस में आइए देखते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, कैसे डेवलप कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल डेवलप किया जा सकता है, आसान है। कैसे डेवलप करेंगे, सबसे पहले एक्सेस ओपन कीजिएगा। सीनैरियो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। मैं एक्सेस का 2021 यूज कर रहा हूँ। यहाँ ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हम अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे चीजों को, तो ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक किया। यहाँ पर चाहे तो आप नाम चेंज कर सकते हैं, ये एक्सेस के फाइल की एक्सटेंशन है .accdb जिसको आप देख सकते हैं। क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो ये सिनेरियो आएगा। अब क्या करना है, व्यू पे जाना है और डिजाइन व्यू पे जाना है। जैसे डिजाइन व्यू पे जाते हैं तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको देना है टेबल का नाम। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट टी दे दिया, या ऐसा कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। ये दे दिया हमने, प्रोडक्ट दे दिया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी आएगी, क्या आएगा, प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पर लिख दिया प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी लिख दिया, तो ये प्रोडक्ट आईडी हो जाएगी आपकी जो भी है, ठीक है। मैंने इसे ऑटो नंबर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये डेटा टाइप है, और यहाँ पे डेटा टाइप मैंने ऑटो नंबर रख दिया। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। और यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे और यहाँ प्राइस रखेंगे, ठीक है, PRICE प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से करेंसी कर देंगे इसे, ठीक है, यूनिट UNIT यूनिट कर देंगे। और यूनिट करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, नंबर रखेंगे इसे, और नंबर रखने के बाद यहाँ पर डबल कर देंगे इसे। डबल करने से फायदा ये होगा कि आप डेसिमल में भी एंटर कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात आएगी टोटल की, तो यहाँ पर टोटल भी हम कर सकते हैं। टोटल करना बहुत आसान है, इसी में टोटल करने की सुविधा आपको मिल जाती है। कैसे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आने के बाद ये देखिए, ये नीचे जैसे ही आते हैं तो आपको मिल जाता है कैलकुलेटेड डेटा टाइप। तो ये इसी को हमें इस्तेमाल करना है। और हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से, तो ये प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट हो जाएगा। बस काम इतने से आसान हो जाएगा। तो ये प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट हो गया, तो बस टोटल आ गया आपका। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो टैक्स कितना परसेंट लगा है वो देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट है ना, तो यहाँ से जाकर इसको नंबर कर लीजिएगा, और नंबर करने के बाद यहाँ पे परसेंट कर लीजिएगा, पी प्रेस कीजिएगा, परसेंट आ जाएगा। तो ये परसेंट हो जाएगा आपका टैक्स, ठीक है। तो ये परसेंट में आप एंटर करेंगे, तो अब ये तो हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो टैक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, टैक्स अमाउंट बड़े आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा टैक्स छिपा होगा किस में, टोटल में छिपा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। ये देखिए, यहाँ पे लिखिएगा टोटल, बस इस तरीके से टोटल लिख दीजिए, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है आपको, टैक्स से, TAX टैक्स कर दीजिए, और यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो जैसे ही ओके करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नेम देना है, और यहाँ पे टैक्स अमाउंट देना है, ठीक है, सॉरी टैक्स यहाँ पर आपको देना होगा, अमाउंट तो अपने आप कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं किसी एक प्रोडक्ट की बात करता हूँ, जैसे पाइथन बुक कर देते हैं, पाइथन बुक, तो ये हो गया पाइथन बुक। तो अभी पाइथन बुक की प्राइस कितनी है, जैसे मान लीजिए पाइथन बुक की प्राइस है ₹550, तो यहाँ पे 550 डाल दिया, और सात बुक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे सात बुक्स की कीमत आ गई। अब मान लीजिए इन सब किताबों पे 5% का GST लगा, तो कितना GST अमाउंट हुआ। अब देखिए यहाँ पे 5% डालते ही यहाँ देखिए 5 नहीं आया, हट गया, यहाँ से 5 हट गया। यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने 5 डाला, तो यहाँ से 5 हट जा रहा है। तो ऐसी दिक्कत आपको भी आ सकती है। मैंने कई वीडियोज में इसको भी पूरा डिटेल में समझाया है कि इसको कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो टैक्स है वो ये यहाँ पे परसेंटेज है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर है, ये लॉन्ग इंटीजर हटा के यहाँ पे डबल बना लीजिएगा। ये जैसे ही डबल बना लेंगे तो काम हो जाएगा। अब जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आसानी से कैलकुलेट भी हो जाएगा। कैसे, आइए दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 5% लिखिए, ये 5 हो गया, ये 5 जैसे ही हमने दिया तो यहाँ देखिए ये 500% हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे 5 ही रखना है। तो 5 रखने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे और यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। तो देखिए 5% पर टैक्स लगा, तो ₹192.50 यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जावा बुक की बात करेंगे, जावा BOOK बुक, तो यहाँ पे आप जावा बुक की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी कीमत है ₹750 मान लीजिए, और सात किताबों की बात हो रही है तो यहाँ पे आ गया प्राइस, और यहाँ पे 5% का टैक्स लगा, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेल के बुक की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्सेल आ गया, और यहाँ पर एक्सेल की किताब की कीमत है ₹450, तो ये 450 और 99 बुक्स की बात करी जा रही है, और इस पे मान लीजिए टैक्स मैंने बताने के लिए आपको यहाँ दे दिया 10%, तो यहाँ देखिए 10% के हिसाब से ये कैलकुलेट हो गया। तो ये हमारा टेबल बन गया और ये सेव भी हो गया है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हमको सिंपल कोई क्वेरी भी नहीं बनानी हमें, हम क्या करते हैं
अभी हम सीधा क्या बनाएंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, हम सीधा फॉर्म बनाएंगे उसके बाद क्वेरी की बात करेंगे। तो यहां से जाएंगे फॉर्म विजर्ड पे और विजर्ड से ही हम जा करके और ये फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन चलिए इस फॉर्म को बनाते हैं, हम यहां से आएंगे, इन सारे प्रोडक्ट्स को लेंगे, यहां पर आएंगे और ये डेटा कॉलम और फॉर्म में ही हमें चाहिए, मॉडिफाई करेंगे इस डिजाइन को और यहां पे प्रोडक्ट एफ करेंगे, प्रोडक्ट एफ, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और यहां से इस तरीके से जाएंगे तो यहां पर ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यहां से छोटा बड़ा कर लीजिएगा, यहां से नीचे आकर के और यहां पर एक कॉम्बो बॉक्स हम डिजाइन करेंगे, इसको हटाएंगे और यहां पर एक कॉम्बो बनाएंगे। कॉम्बो कैसे बनेगा, यहां पर देखिए ये आएंगे ना तो नीचे यहां पर कॉम्बो मिलेगा, बस यहां से ऐसे ड्रैग करिएगा, आप ड्रैग करते ही ये विंडो ओपन होगी, थर्ड वाले पर टिक करके ओके करिएगा और ये हम प्रोडक्ट आईडी के बेस पे खोजेंगे क्योंकि यूनिक ही हमें यहाँ पे लेना होता है। और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आईडी 1 आ रहा है इसको हटा करके ओके कीजिए, अब बस ये हो गया काम, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से बटन्स वगैरह भी चाहे तो आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से व्यू पे क्लिक करते हैं तो व्यू पे क्लिक करते ही आपको सिनेरियो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। जब टू सेलेक्ट करेंगे तो टू वाला दिखाई देगा, तो जो भी सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये दिखाई देगा। तो इसको भी सेव कर लिया है मैंने, प्रोडक्ट एफ के नाम से आपका फॉर्म बना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें कुछ काम और भी करना है हमको, जैसे कि हमें एक क्वेरी बनानी है तो क्रिएट में चलेंगे। अब क्वेरी क्यों बना रहा हूँ, क्वेरी विजर्ड पे जाएंगे, ठीक है। क्वेरी इसलिए बना रहा हूँ कि जब भी हम इसमें प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करें तो जो भी प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करें केवल रिपोर्ट उसी की आए, सब पूरी रिपोर्ट ना आए, प्रोडक्ट आईडी को सेलेक्ट किया है तो केवल प्रोडक्ट आईडी की ही रिपोर्ट आए, इस वजह से ये क्वेरी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से गए और नेक्स्ट किया, मॉडिफाई डिजाइन पे जाके क्लिक किया और ओके कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आ रहा है। तो अभी हम फॉर्म के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्म्स आ जाएगा और यहाँ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे और प्रोडक्ट एफ नाम है हमारे फॉर्म का और हम किसके बेस पे सर्च करेंगे, रोल नंबर के बेस, सॉरी प्रोडक्ट आईडी के बेस पे सर्च करेंगे, किसके बेस पे, प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ प्रोडक्ट आईडी दे देते हैं तो पी आर ओ डी यू सी टी प्रोडक्ट आईडी कर देंगे और प्रोडक्ट आईडी करने के बाद यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करके यहाँ से इस क्वेरी को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये हमारी क्वेरी तैयार है, लेकिन इस क्वेरी के बेस पे रिपोर्ट डिजाइन करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्रिएट पे चलते हैं और रिपोर्ट डिजाइन पे आते हैं। तो ये रिपोर्ट विजर्ड है हमारा, यहाँ आ गए और जो क्वेरी बनाई उसके आधार पर, तो ये हमारी क्वेरी है और इसी के आधार पर अब हम चलने वाले हैं। तो यहाँ पर इन सबको लेकर के आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्ट आईडी को हम प्राथमिकता देंगे, आगे बढ़ेंगे और हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक्स में आए या आउटलाइन किस तरीके से आए ये आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल आउटलाइन रखा है मैंने और यहाँ से मॉडिफाई डिजाइन पे जाके ओके करिएगा तो ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं ऑफ करता हूँ, थोड़ा सा बेहतर लुक देने की कोशिश करेंगे इसको हम। यहाँ पर देखिए इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए से और यहाँ पर कलर इसका चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ होम पे जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा आपको कलर चेंज करने का, तो यहाँ से कलर ये रख लेते हैं हम और यहाँ से कंट्रोल बी करेंगे और कंट्रोल बी करने के बाद इसको हटा देते हैं, ये कंट्रोल जेड करते हैं, ये हटा देंगे, ये जो प्रोडक्ट क्वेरी लिखा है ना इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जाकर के इसको डिलीट कर देते हैं, बाकी सारी चीजें ठीक है, इसको यहाँ से ऊपर ड्रैग कर देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको व्यू पे क्लिक करके देखना है हमें, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा, तो प्रोडक्ट आईडी 1 का देखना है, तो देखिए केवल प्रोडक्ट आईडी 1 की डिटेल आ रही है, देख रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट आईडी 2 की भी डिटेल आएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे उसी की डिटेल आएगी। तो ये इस बार प्रोडक्ट आईडी 2 सेलेक्ट किया तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रोडक्ट आईडी 2 की डिटेल आएगी। देखिए कैसे यहाँ पे गए तो अभी कौन सी डिटेल है, प्रोडक्ट आईडी 1 की, अब यहाँ से रिफ्रेश करिए प्रोडक्ट आईडी 2 का डिटेल दिखाई पड़ने लगा। तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसमें जो भी प्रोडक्ट आप बढ़ाएंगे वो ऑटोमेटिक इसमें रिफ्रेश हो जाएगा, अपने आप इसमें एडजस्ट होता चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, बीबीए कर देता हूं। अब ये बीबीए किताब है, इसकी कीमत है 550 रुपए, 7 किताबों की बात हुई है और इस पे भी 5% का टैक्स लगा हुआ है। तो ये देखिए ये बीबीए ऑटोमेटिक इसमें अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो यहां से अब हम चलेंगे और एक बार इसको देखेंगे, यहां पर आए। अब देखिए यहां पर जो है 3 ही दिखाई दे रहा है लेकिन ये अपडेट नहीं हुआ, तो इसको क्लोज कीजिए, ये जो टेबल बने हुए हैं इसको क्लोज कीजिए, यहां से इसको भी क्लोज कर दीजिए यस करके, ठीक है। तो ये भी क्लोज हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको वापस ओपन करते हैं। तो देखिए यहां पर अपडेट हो गया है, 4 भी हो गया है। तो अब 4 पे गए हम तो 4 की कीमत नजर आ रही है आपको। अब 4 की कीमत जैसे ही नजर आएगी तो आप यहाँ पर रिपोर्ट पे जाएंगे, रिपोर्ट पे जाएंगे तो अभी तो आपको 4 वाला ही दिखाई दे रहा है, देखिए। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कितना कन्वीनियंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।